नमस्ते प्यारे भाइयों, पावर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये अनुपात और समानुपात की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने बेसिक पढ़ा था, इसमें कुछ आगे का एडवांस पढ़ेंगे। इसके बाद में दो वीडियो और आएगी, एक में थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे और दूसरे में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। ये तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है फोर्थ रेशियो, एक होता है तृतीय अनुपात जिसको हम थर्ड रेशियो बोलते हैं, एक होता है मध्य अनुपात। इनके सीधे सीधे फार्मूले होते हैं, फार्मूले लगा के हमको सॉल्व करना होता है। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सीधे सीधे। जो फोर्थ रेशियो है उसका फार्मूला पूछा जाता है, तो वो होता है ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। जैसे हमको इसमें चार वैल्यू दे रखी है ए बी सी और डी, ये इसमें पुट कर देंगे तो हमारा जो पूछा गया है वो आ जाएगा। ऐसे ही तीसरा अनुपात होता है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर। उसमें दो वैल्यू दिए होंगे ए और बी, हमसे पूछ लेगा कुछ भी तो वो इसमें निकल जाएगा तृतीय अनुपात। एक होता है मध्य अनुपात, मध्य अनुपात में भी दो वैल्यू देंगे ए और बी, ए और बी देके हमसे मध्य अनुपात पूछ लेगा जो कि होता है अंडर रूट ए अप इंटू में बी। ये तीन कंसेप्ट है। अगर चतुर्थ अनुपात पूछेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। तीसरा रेशियो पूछेगा, तृतीय अनुपात पूछेगा तो उसमें बी स्केयर अपॉन में ए लगा देंगे, मध्य अनुपात पूछेगा तो उसमें ए अंडर रूट ए इंटू में बी लगा देंगे। आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है चतुर्थ अनुपात बताएं। इसका फार्मूला है ये ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ई। ए के स्थान पर ए लिखेंगे, बी के स्थान पर बी लिख देंगे, सी के स्थान पर ये लिख देंगे 12 और इंटू में एक्स का एक्स हो जाएगा। 3 × 3 = 9, ये एक्स इधर आ जाएगा, ये 3 उधर चला जाएगा, तो 12 × 3 = 36। तो इसका फोर्थ रेशियो है वो आ जाएगा 36। सीधा सीधा फार्मूले के अंदर वैल्यू पुटिंग करनी है, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, चतुर्थ अनुपात बताना है, फोर्थ रेशियो ही बताना है इसका भी। तो इसका फार्मूला होता है ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी। ए की जगह पे 8 दिया है तो 8, बी के स्थान पे 12 दिया है 12, सी इक्वल टू 32 और डी के मान हमको निकालना है। 8 × 32, 12 उधर जाएगा तो 48 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 48 आ गई, ये हमारा फोर्थ रेशियो था, यही हमें फाउंड आउट करना था। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। इसका फिर वैसा ही है, फोर्थ रेशियो ही निकालना है। a डिवाइडेड बाई b मतलब 7 / 21 इंटू में 5 / x, 7 × 21 ये 3 उधर चला जाएगा तो 5 × 3 = 15, मतलब x की वैल्यू आ गई वो आ गई 15। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे दोस्तों। सेम टू सेम वैसा है, आपके लिए होमवर्क है, घर से करके लाना है। अब क्वेश्चन है कि तृतीय अनुपात बताओ, ट्रिप्लीकेट रेशियो बोलते हैं इसको। तो इसका फार्मूला होता है बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए, ये होता है तृतीय अनुपात का फार्मूला, थर्ड रेशियो का फार्मूला। ए की वैल्यू हमें दे रखी है 6, बी की वैल्यू दे रखी है 9, बी का स्क्वेयर मतलब 9 का स्क्वेयर लिखेंगे 9 × 9 डिवाइडेड बाई ए मतलब कि 6, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 9 × 3 = 27 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 13 × 2 = 26, 13.5। इसका जो तृतीय रेशियो है वो आ गया 13.5। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे दोस्तों। एक बार फिर से थर्ड रेशियो ही पूछा गया है, थर्ड रेशियो। इसका फार्मूला होता है बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए, बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। बी स्क्वेयर मतलब 21 / 21 इंटू में ए की वैल्यू है 7, 7 × 21, 21 × 3 = 63, जो इसका तृतीय रेशियो है वो आ जाएगा 63। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे दोस्तों। फिर वही है, तृतीय रेशियो पूछा है तो इसका बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए वही फार्मूला लगेगा, 18 का स्क्वेयर करेंगे, 18 × 18 डिवाइडेड बाई 9, 9 × 2 = 18, 18 × 2 = 36। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ऐसा ही आता है। ये क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज घुमा के पूछ ली, बाकी कंसेप्ट वही लगेगा।
इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 20k डिवाइडेड बाई ए, हमको थर्ड रेशियो ही निकालना है, तृतीय अनुपात ही निकालना है। बी की वैल्यू हमें कब दे रखी है, एक्स माइनस में वाई, इसका हम स्केयर करेंगे। एक्स माइनस में वाई दे रखा है, इसका हमको करना है स्केयर। डिवाइडेड में हमको लिखना है ए, ये दे रखा है एक्स स्केयर माइनस में वाई का स्केयर। क्वेश्चन दे के घबराना नहीं है हमको, बिल्कुल जो बेस फार्मूला है उसी के आधार पर चलना है। ए माइनस में वाई का होल स्केयर दे रखा है, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस में वाई। नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। माइनस है माइनस कैंसिल, तो एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वायर ही आ जाएगा। ये स्क्वायर नहीं था दोस्तों, दोबारा से करेंगे इसी क्वेश्चन को। जैसे कि हमको चलना है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए के ऊपर, बी की वैल्यू ये दे रखी है एक्स माइनस में वाई, इसका हमको करना है स्केयर। नीचे लिखना है ए स्केयर, एक्स स्केयर माइनस में वाई का स्केयर। ये जो फार्मूला होता है ना, ए स्केयर माइनस में बी स्केयर, ये होता है ए प्लस बी ए माइनस में बी। ऊपर तो यही रहेगा एक्स माइनस में वाई का होल स्केयर, और नीचे आएगा ए प्लस में बी, मतलब कि एक्स प्लस में वाई एक्स माइनस में वाई। एक्स माइनस में वाई से एक्स माइनस में वाई का जो पावर है वो कट हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा एक्स माइनस में वाई एक्स प्लस में वाई। एक्स माइनस में वाई एक्स प्लस में वाई, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी स्क्वेयर अपॉन में ए लिखना है, बी स्क्वेयर एक्स माइनस में वाई का स्क्वेयर, ए का स्क्वेयर ये हो जाएगा। ये है ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर, इसको हम ओपन करते हैं तो ये अल्टरनेटली ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस में बी आता है, इसको हमको सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे दोस्तों। मध्य अनुपात ज्ञात करो, मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात करो। जो इसका फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ए डॉट बी। ए की वैल्यू देर की है 6, रूट लगाएंगे 6 का 6। बी की वैल्यू देर की है 54, इस 54 को हम टुकड़े कर लेंगे। इस 54 को हम 6 इंटू में 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 54 ही होता है। 6 इस 54 को लिखेंगे 6 इंटू में 9, 2 6 है रूट के अंदर से 1 6 बाहर आ जाएगा, 9 है ये 3 इंटू में 3 होता है, तो 6 3 18 इसका मध्य अनुपात आ जाएगा। ए डॉट बी फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। इसका भी वैसे ये तृतीय अनुपात ही निकालना है दोस्तों। अंडर रूट ए डॉट बी इसका फार्मूला होता है, ये है 27। 27 को हम 9 इंटू में 3 लिख देंगे, 9 इंटू में 3। और ये है 108, 12 निम्न 108 होता है, इसको लिखेंगे 4 3 12 निम्न 108। 2 9 में से 1 9 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर है। 2 3 में से 1 3 बाहर आ जाएगा, 4 का होता है 2। 3 2 6 6 9 54। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे दोस्तों। तृतीय अनुपात ही निकालना, 4 और 64 देर का है, दोनों का अंडर रूट कर देंगे, यहीं पे कर सकते हैं हम चाहे तो, या वैसे ए डॉट बी लिख के फार्मूला पुट करें तो कर दें। 4 के वैल्यू 2 है, 64 के वैल्यू होती है 8, 8 2 16। मेन यही था कि आपको पता लग जाए कि कैसे फाइंड आउट करना है। एक थैला है जिसके अंदर 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्के हैं, और इन सिक्कों का अनुपात दे रखा है 2:3:4। यदि सिक्कों की कुल संख्या 240 है तो प्रत्येक सिक्कों का मूल्य बताना है। 1 रुपये को हम लिखेंगे 100 पैसा, 50 पैसे को 50 पैसा, 25 पैसे को लिखेंगे 25 पैसा। इनका मूल्य का अनुपात दे रखा है, इनका रेट का अनुपात दे रखा है, ये है 2 3 और 4। ये जो रेशियो है ये है उनका रेट का रेशियो, और हमको दे रखी है कि सिक्कों की कुल संख्या दे रखी है, ये है नंबर्स। नंबर मतलब 240 टोटल संख्या है। रुपए में दे रखे हैं, संख्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों। 100 100 पैसे के 2 सिक्के हैं, 2 रुपए हैं तो 2 ही सिक्के होंगे, क्योंकि 1 रुपए का 1 पैसा होता है, 100 पैसे होते हैं।
पचास पचास पैसे के तीन सिक्के हैं तो कितने बनेंगे? तीन रुपए हैं तो छः सिक्के बनेंगे, क्योंकि एक रुपए में दो सिक्के होते हैं पचास पचास के। पच्चीस पच्चीस पैसे हैं, चार रुपए बनाने हैं तो चार रुपए का एक होता है तो ये बनेगा सोलह। एक रुपए के दो बनेंगे तो दो रुपए बन गए। तीन रुपए हैं पचास पचास पैसे के तो छः सिक्के बनेंगे। चार रुपए हैं पच्चीस पच्चीस के तो सोलह सिक्के बनेंगे। छः और दो आठ और सोलह चौबीस, मतलब इनका जो रेशो के वैल्यू आई है वो आई है चौबीस, और जो हमारे पास टोटल नंबर हैं वो भी है 240। तो एक की वैल्यू आ गई 10। हमसे पूछा क्या है कि सिक्कों का मूल्य ज्ञात करना है। ये नंबर आया है ये 20 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, ये 160 आ जाएगा। ये तो आया है नंबर का रेशो, लेकिन हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि सिक्कों का मूल्य कितना है। 100-100 रुपये के 20 सिक्के होंगे तो 20 रुपये बनेगा। 50-50 पैसे के 60 सिक्के होंगे तो 30 रुपये बनेंगे। 25-25 पैसे के 160 रुपये होंगे तो 40 पैसे बनेंगे, 40 रुपये बनेंगे। नंबर और रेशियो को ध्यान में रख के करना है दोस्तों। एक बार फिर बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। एक रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे इन्हीं के सिक्के हैं। सभी की संख्या समान है। प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं कि थैले में 35 रुपये हैं, सिक्कों की कुल संख्या बतानी है। जो नंबर दे रखे हैं, संख्या दे रखी है, वो तो है समान, सबकी इक्वल्स है। और जो रेट का रेशो दे रखा है कि रेट टोटल कितने हैं कि वो है 35 रुपये, क्वेश्चन में दे रखा है। तो समान हम मान लेंगे कि 25-25 पैसे के चार हैं, 50-50 पैसे के भी चार हैं और 100-100 पैसे के भी चार सिक्के हैं। 100 पैसे के चार सिक्के हैं तो चार रुपये बनेंगे। 50 पैसे के चार सिक्के हैं तो दो रुपये बनेंगे। 25 पैसे के चार सिक्के हैं तो एक रुपया बनेगा। चार और दो छः और सात, हमारा जो क्वेश्चन के हिसाब से है वो तो आया है 7 रुपये, लेकिन हमें क्वेश्चन में दे रखा है 35 रुपये। तो एक रुपये की वैल्यू आ गई 37535, 5 5 रुपये वैल्यू आई एक की। सिक्कों की कुल संख्या बतानी है। ये 5 है तो 5 आ जाएगा, ये 5 दूनी 10 है तो 10 आ जाएगा, ये 4 5 20 है तो 20 रुपये आ जाएंगे। हमें संख्या बतानी है। 100 पैसे हैं, 100 पैसों के 20 सिक्के 20 रुपये बनेंगे तो 20 आएगा। 50-50 पैसे के 10 रुपये हैं तो 20 ही सिक्के आएंगे। 25-25 पैसों के 5 सिक्के हैं तो 5 चौके 20, ये भी 20 ही आएगा। तो इनका जो टोटल नंबर होगा वो 20+20+20 मतलब 60 होगा। हमको नंबर बराबर दे रखे थे, रेट का वैल्यू हमें 35 दे रखी, तो नंबर को रेट में चेंज किया, एक रुपये की वैल्यू निकाली, फिर रुपये में कन्वर्ट किया, रुपये से फिर संख्या में कन्वर्ट किया। आगे जाएंगे दोस्तों। एक थैले में वही क्वेश्चन है बिल्कुल, दो तीन और चार के सिक्कों में देर का 100 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसा। एक ही टाइप के बार बार क्वेश्चन लाने का यही तरीका है कि आपको समझ में आ जाए। इनके सिक्के मतलब नंबर देर के हैं, 100-100 पैसे के दो सिक्के हैं, इसके तीन सिक्के हैं 50-50 पैसे के, और 25-25 पैसे के चार सिक्के हैं। इनका जो मूल्य है, इनका रेट है, वो हमको दे रखा है 180 रुपये। तो इसको रेट में कन्वर्ट करेंगे। 50-50 पैसे के दो हैं तो दो रुपये बनेंगे, तीन है तो ये बनेगा 1.5, चार है तो ये बनेगा एक। पॉइंट को ख़त्म कर ही देते हैं तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो तीन और चार, वही आ गया दोस्तों, दो तीन और चार, चार तीन सात और दो नौ। हमारा जो वैल्यू आई है वो तो आया है 9 रुपये, क्वेश्चन में दे रखे हैं 180 रुपये, मतलब कि एक की वैल्यू आई है 20 के बराबर, एक रुपये की वैल्यू 20 के बराबर है। हमसे पूछा क्या है सिक्कों की संख्या कितनी है, नंबर्स पूछे हैं कितने हैं। 20 चौके 80, 20 तीय 60, 20 दूनी 40, ये 40 रुपये हैं, ये 60 रुपये हैं और एक एक रुपये के 80 रुपये हैं। एक एक रुपये के 80 रुपये हैं तो टोटल होंगे 80 सिक्के। 50-50 पैसे के 60 रुपये हैं तो टोटल होंगे 120 सिक्के, क्योंकि दुगने होते हैं। 25-25 पैसे के 40 रुपये करेंगे तो 160 हो जाएंगे, क्योंकि 4 चौके 16 160। ये हमको आ जाएगी सिक्कों की संख्या कितनी, यही आ जाएगा 8 और 2 10 और 6 16 360। हमको क्वेश्चंस में इनकी वैल्यू दे रखी थी सिक्कों की,
हमने इनसे रुपए में कन्वर्ट कर लिया, रुपए की एक रुपए की वैल्यू निकाल ली, फिर इनमें कन्वर्ट कर लिया मूल्य के अंदर, फिर 100 रुपए को 80 में डिवाइड किया, 50 को 60 में बांटा, 25 को 40 में बांटा, तो 360 आ गए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की अनुपात ये है, थैली में 1008 रुपये हैं, तो भिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। आपके लिए ये होमवर्क है दोस्तों, ये थोड़ा अलग है। 20 रुपये हैं थैले में, 10 रुपये के नोट हैं और 5 रुपये के नोट हैं। 20 रुपये के 3 नोट हैं, 10 रुपये के 4 नोट हैं और 5 रुपये के 5 नोट हैं। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये हैं, 20-20 के 3 सिक्के हैं तो 60 रुपये, 10-10 के 4 सिक्के हैं तो 40 रुपये, 5-5 के 5 सिक्के हैं तो 25 रुपये। हमारा जो टोटल आया है वो तो आया है 60, 40, 100 और 125। हमारे पास आया वो आया 125 रुपये, लेकिन थैले में है 1000 रुपये। 1000 डिवाइडेड बाई 25, 100, 25 5, 125, 25 4, 100, 80, 45, 40, मतलब 1 की वैल्यू आ रही है 8 रुपये। 8 सिक्के, ये पूछा क्या है, 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, 25 8 200, 8 सिक्के होंगे 5 रुपये के, 200 रुपये टोटल हैं, 5 5 रुपये के सिक्के हैं, तो 200 बटे 5 मतलब 40 सिक्के। 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोटों की अनुपात दे रखा था 3 4 5, हमने इनसे हमको रेट निकाल लिया कि 60 रुपये बन रहे हैं, 40 रुपये बन रहे हैं और 25 रुपये बन रहे हैं। टोटल जो थैले में धन था वो था 1000 रुपये, हमारे पास आया 125, तो हमने 1 की वैल्यू निकाल ली कि 8 रुपये है 1 की वैल्यू 8, तो जो 5 5 रुपये के टोटल थे वो थे 200 रुपये। 5 5 के सिक्के कितने थे, तो 40 सिक्के थे, यही हमसे पूछा है सिक्कों की संख्या। मिक्सर का सवाल है दोस्तों, वैसे तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में है कि टोटल है 46 लीटर मिक्सर, 66 लीटर मिक्सर है, इनका रेशियो दे रखा है 5 और 1, मतलब 50 लीटर ये है, 55 लीटर ये है और 11 लीटर ये है। मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात को 5:3 करने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा, ये मिल्क है दोस्तों और ये वाटर है, 5:3 करना है इनको, 5:3, वाटर है पूछा गया, वाटर कितना मिलाना पड़ेगा, दूध पहले भी 5 था अब भी 5 है, तो दूध तो ना मिलाया ना निकाला, पानी हमने मिलाया है, कितने यूनिट मिलाया है, 2 यूनिट मिलाया है, 5 और 1 6, टोटल 66 था, 1 यूनिट की वैल्यू आई है वो आई है 11, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 22, मतलब कि 22 लीटर हमने पानी मिलाया है। 1 यूनिट की वैल्यू आई थी 11, 2 यूनिट हमारा हमने ऐड कर दिया तो वो आ गया 11 2 22। चौवालीस लीटर का मिक्सचर है, दूध और पानी का ही है 44, ये मिल्क है, ये हमने इधर वाल लिया वाटर, 6:5, इस अनुपात में 44 लीटर मिक्सचर है। इस अनुपात को 2:3 करने के लिए, 2:3 करने के लिए कम से कम कितना पानी मिलाना पड़ेगा, मिल्क पहले भी 6 था अब भी 6 करना पड़ेगा, क्योंकि ना मिल्क मिलाया है ना निकाला है, 6 करने के लिए जो नीचे वाला रेशियो है इसको दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 6 था 6 हो गया है, ये 5 था 3 3 9 हो गया है, इसका मतलब हमने 5 से 9 करने के लिए 4 यूनिट मिलाया है, 6 और 5 11 4 44, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू थी वो थी 4, हमसे पूछा है 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 4 16,
दूध और पानी का मिक्सचर दे रखा था 6:5 के अंदर, बाद में उसके अंदर पानी मिलाया जाता है तो 2:3 हो गया, दूध मिलाया नहीं है तो पहले भी 6 था अब भी 6 है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, 5 से 9 मतलब 4 यूनिट एक्स्ट्रा डाली गई है, एक यूनिट की वैल्यू हमने 4 निकाली है, 4 यूनिट की वैल्यू 16 है, यही इसका आंसर होगा दोस्तों। उससे थोड़ा अलग है दोस्तों, दूध और पानी मतलब मिल्क और वाटर का अनुपात दे रखा है 5:3। 16 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया है, 16 लीटर निकाल लिया और 16 लीटर पानी डाल लिया, तब दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाता है। मान लेते हैं जो पहले था वो था 5:3, इसके बाद में 16 लीटर हमने इसमें से माइनस कर दिया, 16 लीटर हमने निकाल लिया, 16 लीटर मिक्सचर में से निकालेगा तो जो दूध और मिल्क की क्वांटिटी है वो 5:3 के अंदर ही रहेगी क्योंकि मिक्सचर में से निकाला है। निकालने के बाद इसमें ओनली टोटल 16 लीटर हमने पानी डाला है, वाटर दूध नहीं डाला, तो ये वैल्यू आई है 3:5, 16 लीटर पानी मिलाया है, मिल्क पहले 5 था अब भी 5 ही रहेगा, तो ये रेशियो में गड़बड़ी हो रही है। तो इनको बराबर करने के लिए ऊपर वाले रेशियो को तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले रेशियो को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पहले भी मिल्क उतना था अब भी उतना है, ये वाटर मिलाया गया है, ये करेंगे तो 5 × 3 = 15 लीटर तो पहले था मिल्क, पहले वाटर था 9 लीटर, अब भी 15 लीटर हमने कर लिया है रेशियो में और ये हो गया 25 लीटर। 9 था 25 कर दिया तो 16 लीटर एक्स्ट्रा इन्होंने 16 यूनिट एक्स्ट्रा मिलाई गई है, 16 लीटर ही मिलाया गया। तो पूछा गया कि मिक्सचर में पानी की मात्रा कितनी है, मिक्सचर में पानी की मात्रा 25 लीटर है, अगर यहाँ पर 8 होता तो 25 का आधा करते 32 होता तो 50 होता, हमारा 16 आया है, क्वेश्चन में भी 16 लीटर ही दिया था तो जो मिक्सचर है वो आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन है और इसके बाद आपको जो प्री लेवल के एग्जाम देते हैं उनमें से क्वेश्चन आ ही जाएगा। चीनी और पानी, शुगर और वाटर का रेशियो दे रखा है दोस्तों 6:5। यदि 33 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जाए, ये था इसमें से 33 लीटर मिक्सचर टोटल में से निकाला है 33 लीटर, तो जो इनकी क्वांटिटी है वो 6:5 में ही रहेगी। अब इसमें 33 लीटर पानी ऐड कर दिया, ऐड किया है वो किया है पानी, हमने जो शुगर है उसको नहीं छेड़ा है, वो पहले थी उतनी ही रहेगी, तो ये रेशो 3:4 हो जाता है, 3:4, पहले शुगर 6 थी अब 3 है तो गड़बड़ी हो रही है। इसको भी 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, 6 से 6 रह गई, 5 सी और 8 हो गई, मतलब कि 3 यूनिट एक्स्ट्रा डाली है हमने, इस 3 यूनिट की वैल्यू है 30 मतलब 10 गुना। तो मिक्सचर में चीनी की मात्रा पूछी है, चीनी की मात्रा पूछी है, 6 यूनिट थी लेकिन हमारी 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10 यूनिट, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 60 आएगा दोस्तों, टाइपिंग में एरर थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप अगर प्री लेवल के एग्जाम दोगे तो उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवाल ऐड हो ही जाएंगे। 2 वीडियो और आएगी, उनमें एक में तो मिक्सअप क्वेश्चन होंगे और दूसरे में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो होंगे। धन्यवाद दोस्तों।